और जो दुनिया में कोई ना कर सका वो भारत ने करके दिखा दिया। सारी दुनिया हैरत में थी और लास्ट के चलिए ताड़ासन से शुरू करते हैं। योग ए मेडिकल साइंस के फील्ड में पतंजलि ने अनुसंधान के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, उसी संदर्भ में हम संवाद करें। चंद्रयान मिशन 3 के पूरा होने पर जैसे पूरे देश को इसरो पर गर्व है, चांद पर तिरंगा गाड़ने का गर्व है, दक्षिण ध्रुव साउथ पोल जिस पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था उसके प्रथम विजेता होने का गर्व है, हम भी दुनिया के किसी भी फील्ड में प्रथम हस्ताक्षर कर सकते हैं, प्रथम विजेता हो सकते हैं, जहां कोई नहीं पहुंचा वहां पहुंच सकते हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम आदि करते हुए आज कुछ ऐसे ही संदर्भों की चर्चा करते हुए, इनके संदर्भ में संवाद करते हुए आज के अनुष्ठान को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम देश की आजादी की विरासत के बारे में, देशभक्ति के बारे में बात करते हैं, राजनीतिक विरासत के बारे में बात करते हैं तो सबको समझ में आता है। जैसे हम रामनवमी और जन्माष्टमी को देश की सांस्कृतिक सनातन विरासत की बात करते हैं तो सबको उस पर श्रद्धा होती है, वो बात समझ में आती है। तो आज हम देश की जो वैज्ञानिक विरासत है, देश की जो मेधा है, अपने पूर्वजों की जो मेधा है, प्रतिभा है, अपने पूर्वजों के ज्ञान की विरासत जो हमें योग के रूप में, आयुर्वेद के रूप में, वेदों के रूप में, जिसको हम योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म के रूप में कहते रहते हैं, उसको समझने का आज अवसर मिलेगा। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, कटचक्रासन आदि, ये जो अभ्यास है इनको करते हुए सहजता पूर्वक आपको योग की गहराइयों में ले जाए, आयुर्वेद की गहराइयों, योग आयुर्वेद के माध्यम से चिकित्सा विज्ञान और जीवन विज्ञान की गहराइयों में ले जाते हैं, ऐसे सहजता पूर्वक जिससे जितना बन पाए उतना कर। त्रिकोणासन, कोणासन अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप कर ले। लाखों किलोमीटर की यात्रा तय करके जब चंद्रयान इस धरती और चांद के कई चक्कर काट के, कई बार उसकी परिक्रमा करके जब उसकी सतह पर उतरता है तो सारे मिथक टूट गए,
और जो दुनिया में कोई ना कर सका वो भारत ने करके दिखा दिया। सारी दुनिया हैरत में थी और लास्ट के 15 मिनट तो बोले पिछली बार की तरह कहीं क्रैश ना हो जाए। रसिया का विमान क्रैश हो गया, वहां पहुंचते पहुंचते उसका मिशन फेल हो गया, कहीं हम फेल ना हो जाए। लेकिन सारी संभावनाओं के विपरीत जो भारत को करना था वो करके दिखा दिया। अब ये भारत के सामर्थ्य का, भारत की प्रतिभा का, भारत की मेधा का, भारत के संकल्प का, भारत की संभावनाओं का अब पूरी दुनिया ने इस रूप में तो लोहा मान लिया कि भारत भी जो पूरी दुनिया ना कर सकी ऐसा कर सकता है। ये तो एक फील्ड है, चांद पर पहुंचना। लेकिन चांद पर पहुंचने के साथ साथ धरती पर कैसे जीना है ये भी भारत से ही सीखना पड़ेगा पूरी दुनिया। और उसी के संदर्भ में आपको योगाभ्यास कराते कराते हम आज आपसे संवाद करेंगे। हर दिन हम किसी एक प्रधान विषय को लेकर के उसके साथ फिर संबद्ध विषय होते उनके संदर्भ में आपसे संवाद करेंगे, जिनसे जितना बन पाए ऐसे कर लेना, जिनसे सूर्य नमस्कार बन पाए मेरे साथ मंच पर पूज्य स्वामी आर्यदेव जी जो हर दिन आपको योगाभ्यास कराते। हमने अपने पूज्य सन्यासी भाई बहनों को, सभी कार्यकर्ताओं को ऐसे ही प्रशिक्षित किया है कि वो ये योग के प्रोटोकॉल को वैज्ञानिकता पूर्वक, व्यवहारिकता पूर्वक फॉलो करके। तो आप जो सूर्य नमस्कार कर सकते वो कोशिश करना ऐसे। अब सूर्य नमस्कार के बाद मुझे लगता है चंद्र नमस्कार का भी आविष्कार करना पड़ेगा, लंबे लंबे श्वासों के साथ हम सूर्य वेदी चंद्र वेदी प्राणायाम कराते हैं। हम सूर्य और चंद्र की उपासक ओम स्वस्ति पंथा मन चले, ओम स्वस्ति पंथा मन चले, सूर्य चंद्र वसा विवा पुनर्दता ग्रता जानता संगमे। 10 बार से लेकर के 100 बार तक ऐसे करने का अभ्यास होना चाहिए भाई। स्वामी जी ये रिदम आने में तो वक्त लगेगा, जिनका रिदम आ गया है पूज्य स्वामी आर्यदेव जी के साथ करने का, शेष मेरे साथ सूक्ष्म व्यायाम करो। हमारे पास तो कई विकल्प है, आपको छोड़ने वाले यही से करो। ऐसे सूक्ष्म, अब इसमें भस्त्रिका भी चल रहा है, कपालभाति भी चल रहा है और इसमें लगा हुआ है मूल बंध और मूलाधार से सहस्रार्थ कष्टा चक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयुज्ञा तस्यामिरण्य कोशाः स्वर्गो ज्योतिषा पितः। लंबे लंबे श्वास, एक साथ योग के विविध आयामों को साधते हुए हम अपनी साधना। जो भारत विरोधी सनातन विरोधी शक्तियां हैं उनका बस चले तो ये मिशन चंद्रयान ना करके चंद्र शब्द प्रयोग, चंद्रयान शब्द प्रयोग करने में उनको आपत्ति है।
विक्रम शब्द विक्रम मिशन का नाम रखा और इस पूरे अनुष्ठान में प्रज्ञान शब्द को प्रज्ञान तत्व को जोड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान से भी आगे उपनिषदों में प्रज्ञान ब्रह्मेति व्यजाना तत्व है। तो कुछ लोगों को वेद दर्शन उपनिषदों की सांस्कृतिक विरासत पर, अपनी भाषा पर जिनको गौरव नहीं है, अपनी मेधा पर, अपनी प्रज्ञा पर, अपनी ज्ञान विरासत पर जिनको गौरव नहीं है, उन लोगों को ये अच्छा तो नहीं लग रहा था। जो सुबह से शाम तक भारत और भारतीयता को कोसते रहते हैं, लेकिन ये तो एक संदर्भ मैंने इसका लिया। अब जिस संदर्भ में मुझे आपसे बात करनी है, जरा उस पर लौटते हैं और ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे खड़े होकर के, इन सारे अभ्यासों को बैठ करके भी कर सकते हैं, जिनको खड़े होने में भी असुविधा है। ये सूक्ष्म स्ट्रेंथन करने के लिए रोज हम कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार, 10 बार दंड बैठक यहाँ से शुरुआत करने के लिए बोलते हैं और 100 बार तक पहुंचने के लिए कहते हैं। ऐसे लंबे लंबे श्वास के साथ। मैं तो बहुत छोटा छोटा टारगेट दे रहा हूँ। हमारे बालक 3 से 5 हजार बार तक सूर्य नमस्कार करते हैं। कितनी बार? 3 से 5 हजार। मैं गामा पहलवान का पढ़ रहा था, 3 हजार बार 5 हजार बार पुशअप लगाना, दंड बैठक लगाना और कभी भी पराजित नहीं हुआ किसी से। भारत की पंजाब में पैदा हुआ गामा पहलवान बड़ा चर्चित है। 10 बार से तो शुरू करें। चलो अब पेट के बल लेट जाओ थोड़ा, एक बार थोड़ा वार्म अप कर देते हैं आपको। एक तो ये तरीका है, ऐसे ऐसे, और जो ऐसे नहीं कर पाए तो ऐसे करें। बॉडी को ट्यून अप करने के लिए आप शुरुआत मकरासन से भी कर सकते हैं। ऐसे तो 10 बार से शुरू करके कहां तक पहुंचना है आपके लिए टारगेट कितना सेट किया है हमने? 100 का। हमारे ही बच्चे 5 हजार बार तक करते हैं और अति बलवान है। अच्छा, हमारे हनुमान जी कमजोर हैं क्या? हमारे राम जी, हमारे कृष्ण जी, हमारे शिव जी, वो तो ज्ञान के, भक्ति के, शक्ति के तीनों के देवता हैं। हमारी प्रेरणा, हमारे आदर्श, हमारे रोल मॉडल, हमारे आइकॉन भगवान राम है, कृष्ण है, हनुमान है, शिव है, भगवान बुद्ध है, भगवान महावीर है, गुरु नानक देव है, गुरु गोविंद सिंह है, गौतम खड़ा दजवनी फणिनी पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप है, चंद्रशेखर राजगुरु, सुखदेव भगत सिंह, महारानी लक्ष्मी बाई, लक्ष्मी दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, जगदम्बा, हम शक्ति भक्ति के साथ साथ उपासक। चलो ऐसे करो, जो धीरे धीरे कर सकते ऐसे ही करो। तो ये तो सूर्य नमस्कार के बाद अब आगे योग प्रोटोकॉल में प्रवेश कर गए। अब जिनको मेरुदंड की समस्या है तो पूज्य स्वामी आर्य देव जी के साथ साथ सूर्य नमस्कार के बाद अब मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन आदि करना। जिनको मोटापा है उनको तो फिर भुजंगासन, सलभासन के बाद अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन,
चित्रकोणासन चक्की आसन 5-7 अभ्यास बता देंगे। हमने 5 से 10, 12, 15, 20 अभ्यासों का पूरा एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। ये तो डेली की प्रैक्टिस है, ये तो करना ही है। ये तो देरी वाला हुआ, तेजी से करना है तो बताओ कितनी अच्छी प्रक्रिया है आत्मनिर्भरता की। लेकिन ये इंडस्ट्री जहां घुस जाती है, जिम करो 5-10, 25-50 लाख का, 5-10 करोड़ का सामान लेकर के आओ और उस लोहे लकड़ के साथ जोर आजमाइश करो। इसको कहते इंडस्ट्री। ये हेल्थ इंडस्ट्री है। क्या है? हेल्थ इंडस्ट्री। हम कहते हैं आप मशीनों के साथ धींगा मस्ती मत करो, अपनी ताकत अपने से बढ़ाओ। हेल्थ इंडस्ट्री कहती है जिम करो, हम कहते हैं योग करो, भुजंगासन करो, सूर्य नमस्कार करो, और ज्यादा मजबूत बनना है दंड बैठक लगाओ, 100-200 बार से लेके 500-1000 बार तक ही करो ना। और ये अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। हम कहते हैं योग आयुर्वेद और प्रकृति की तरफ लौटो। और मेडिकल इंडस्ट्री क्या कहती है? फार्मा कंपनियां, केमिकल खाओ, ड्रग्स खाओ, सिंथेटिक दवाइयां खाओ और जहर खा करके मरो। और आश्चर्य की बात तो यह है कि वो जिसको ड्रग मेडिसिन जो संज्ञा दी, वो बोले सिंगल मॉलिक्यूल को हम मेडिसिन मानते हैं, सिंगल कंपाउंड को, सिंगल कंपाउंड को तो बोला हम कहेंगे मेडिसिन और बाकी को मेडिसिन ही नहीं बोलेंगे। कितना ज्यादा पूरा का पूरा एक झूठ का कारोबार खड़ा कर दिया। इसलिए एलोपैथी को कई बार मैंने झूठी पैथी, रोग पैथी, डर पैथी, लूट पैथी ये संज्ञाएं दी। मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, मेडिकल टेररिज्म ये शब्द मैंने प्रयोग किए, तो उसके पीछे एक जो बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है उसकी तरफ मैंने ध्यान दिलाया। मकर आसन, भुजंगासन, सलभासन, चलो कर लो जरा। तो इंडस्ट्री चाहे वो किसी भी फील्ड में, एग्रीकल्चर में यूरिया डीएपी से लेकर के फर्टिलाइज पेस्टिसाइड्स, इन्होंने पूरा सत्यानाश कर दिया। मोबाइल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने सत्यानाश कर दिया मनुष्य के श्रम का, पशुधन का, परंपरागत खेती का। इंडस्ट्री बड़ी खतरनाक होती है। इन्होंने खेल खत्म कर दिए, अब क्या करो? बोले पबजी खेलो, कंप्यूटर गेम खेलो। कंप्यूटर गेम्स ने गेम्स का सत्यानाश कर दिया। मोनसेंटो जैसी कंपनियों ने खेती का सत्यानाश कर दिया। ये जिम्स ने हेल्थ का सत्यानाश कर दिया। वो मामला पूरी की पूरी मेडिकल इंडस्ट्री ने मेडिकल का ही शीर्षासन करा दिया, स्वास्थ्य का ही शीर्षासन करा दिया। और दुनिया उसके पीछे बावली हो रखी है। क्यों? बोले उनके पास पैसे, पैसे से बहुत कुछ होता है, लेकिन पैसे से ही सब कुछ नहीं होता भाई, और पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। सत्य एक बहुत बड़ा तत्व है,
वो सनातन है, शाश्वत है, सत्यमेव जयते। लंबे लंबे श्वास, भुजंगासन दो तरह से सामान्य रूप से कराते हैं, चिकित्सा की दृष्टि से चार तरह से कराते हैं, ऐसे ही सर्वासन दो तरह से करवाते हैं। हाथ जंघाओं के नीचे, कई बातें हैं, अब मूल बात पर वापस आता हूं। मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है कि आप डीजनरेटिव सेल्स को रिजुविनेट नहीं कर सकते। आज मैं तीन चार बड़ी बातों पर ही पूरा संवाद करता हूं। पूरा मॉडर्न मेडिकल सिस्टम कहता है डीजनरेट वे लिवर के, किडनी के, ब्रेन के, आंखों के, हार्ट के, ब्लड के, बोन्स के सेल्स को रिजुविनेट नहीं कर सकते। ब्रेन सेल्स को तो कतई नहीं कर सकते, उनको तो मॉडिफाई कर ही नहीं सकते। जेनेटिक स्ट्रक्चर को तो आप चेंज कर ही नहीं सकते। हमने जीन्स को मॉडिफाइड करके जेनेटिक बीमारियों को, जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस को भी ठीक किया। लंबे लंबे श्वास, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, पूरा पैर ऐसे उठाया करो ना, ऐसे 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 एक रिदम के साथ, एक और ये भुजंगासन के दो, सर्वासन के दो अभ्यास, ये तो अवश्य किया करो। तो हम लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, आंख, कान, सबके, स्किन, ब्लड, बोन्स के सेल्स को रिजुविनेट कर सकते हैं। हम बीमारियों को कंट्रोल ही नहीं, क्योर कर सकते हैं। हम जेनेटिक स्ट्रक्चर को भी राइट डायरेक्शन में मॉडिफाइड कर सकते हैं, जीन्स को रिपेयर कर सकते हैं, और जेनेटिक स्ट्रक्चर को सही दिशा में चेंज कर सकते हैं। जो हमारी मूल प्रकृति, उधर आपको लेने जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे दोनों तरफ से उठाना, एक एक अभ्यास को थोड़ा लंबा करना, सहजता पूर्वक करवा रहे हैं। हमने हार्ट डिजीज को रिवर्स किया है, हमने ब्रेन डिजीज को, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया को रिवर्स किया है, हमने पैरालिसिस को रिकवर किया है, हमने अस्थमा, जिसके बारे में मान्यता थी दमा तो दम के साथ जाएगा, उसके लिए लोग चलो सीधे लेट जाओ, स्टीराइड ले रहे थे, स्टीराइड के चक्रव्यूह से बचाया लोगों को। सीधे लेट करके देखो, जब मोटे भाई बहन है वो तो ऐसे ये कर लेना, थोड़ा थोड़ा तो सभी कर लो, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, ये थोड़ा थोड़ा तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। फिर जिसको जो अभीष्ट है उसको थोड़ा लंबा कर लिया करो। ये एक घंटे का सघन योगाभ्यास हम प्रतिदिन आपको कराते हैं, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, एक एक पैर से कर लेना जो दोनों से न कर सके, और द्विचक्रिकासन हर उम्र के भाई बहन इनको कर सकेंगे, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, सब एक एक पैर से, दोनों पैरों से ये अभ्यास। अब जिनको कमर में दर्द है, शरीर बहुत भारी भरकम है, उनको दोनों से करना ही नहीं है ना, एक एक से ही करना है, ऐसे लंबा करो, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे ही करना। Thank you.
जो दोनों से बन पाए तो दोनों से कर लेना। ये जिनको ओबेसिटी है तो इसी को लंबा करना, अर्धनासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। मेरुदंड की समस्या है तो मेरुदंड के अभ्यास थोड़े लंबे कर लेना। उसके लिए मरकटासन के 3 अभ्यास, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कटिप्तानासन, एक अनुष्ठान की तरह 100-100 बार तक करवा देते हैं। मरकटासन भी अपने योग प्रोटोकॉल को पूरा करना। हमने योग का, यज्ञ का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, पंचकर्मा का, षटकर्मा का, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना का, एक सात्विक जीवन दर्शन, सात्विक जीवन शैली, ये रोगियों के लिए चिकित्सा पद्धति है, स्वस्थ लोगों के लिए जीवन पद्धति है, योगियों के लिए साधना पद्धति है, मुक्ति का मार्ग है। रोग मुक्ति से लेकर के ये मुक्ति का, मोक्ष का मार्ग है योग। मरकटासन के 3 अभ्यास, मन ही मन ओम का जप करते हुए, नाम जप करते हुए, भजन कीर्तन के साथ आपको अभ्यास करा। आज आपको योग विज्ञान के सूत्र दे रहे हैं, इसलिए संवाद के साथ करा रहे हैं। बाकी तो संगीत के साथ भी आपको खूब कराते हैं। सहजता पूर्वक एक एक अभ्यास को ऐसे करना। अब जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं उनको पहले धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी तो उसको संख्या की दृष्टि से भी 100-200 बार तक करवा देते हैं। स्क्लेरोसिस से लेकर के, एंक्लोजिंग स्पाइटिस से लेकर के सियाटिका, लुम्बर पेन, स्लीप डिस्क, अब ये भी कितनी झूठी मान्यता है कि एक बार डिस्क स्लिप हो गई तो वापस अपने स्थान पर आएगी नहीं। कितनी झूठी मान्यताएं हैं। और इन्हीं के वशीभूत होकर के हम लोग बेड रेस्ट करते रहते। कितना खराब काम है पड़े रहना। अरे योग करके अपने जीवन को संवार ले, उभार ले भाई। तो मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, बिना सिर उठाए कमर दर्द होने पर, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंध कटिप्तान। तो जिनको कमर दर्द की समस्याएं हैं तो वो अपने यही अभ्यासों को थोड़ा दोहरा ले, थोड़ा लंबा कर ले। शेष मेरे साथ अब इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस करेंगे। पवन मुक्तासन 1 मिनट स्वस्थ व्यक्तियों के लिए करो जरा। 2 से 5 मिनट जिनको मध्यम दर्जे के रोग हैं, मध्यम कोटि के, और जिनको असाध्य रोग है, लीवर, किडनी फेलियर है, पेनक्रियास फेलियर है, डायबिटीज अतिशय बढ़ गया, टाइप 1 डायबिटीज है, तो 5 से 10 मिनट तक लगातार कराते। वह भी कपाल भाती के साथ। लंबा अभ्यास पवन मुक्तासन का। ये पवन मुक्त और सेतु बंध, ये तो 2 अभ्यास लंबे हो जाते हैं सबसे। इनको लंबा करना। और जो कर सके मेरे साथ, पवन मुक्तासन,
पवन मुक्तासन और सेतु बंद तो सबको दे दिया लंबा टारगेट। फिर जो कर सकेंगे वो हमारे साथ साथ, उत्तान पादासन नौकासन पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन सर्वांगासन हलासन शीर्षासन चक्रासन पूरा करने की कोशिश। और योग करने में जो 5-7 मूल बातें हैं जिनको मैं अक्सर रोज दोहराता हूं, विधि पूर्वक करना, रीत नीति पूर्वक करना, योग प्रीति पूर्वक, दिव्यता पूर्वक, दैवी संपद के साथ, दिव्य भावों के साथ, योग चेतना में, हायर कॉन्शियस में योग निष्ठ होगी, हर कॉन्शियसनेस में प्रतिष्ठित होकर के योग करना। और जब ऐसे योग करेंगे तो योग से कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और इस मूर्त पिंड और ब्रह्मांड के साथ साथ पांचवी बात जो बहुत गहरी है, अमूर्त अदृष्ट सूक्ष्म जगत के साथ, दैवी शक्तियों के साथ आपका संपर्क स्थापित होगा, दैवी शक्तियों के आशीषों से आप अभिषिक्त होंगे। अभी इतने बड़े तत्व हैं, मैंने कह तो दिया एक सांस में, एक वाक्य में, When we are doing yoga properly, then we are achieving complete expression, complete balance, complete rejuvenation, complete divine transformation and connectivity with invisible world. We are entering an invisible world through yoga, through pranayama, through dhyana, through meditation. अदृष्ट अमूर्त अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य, अनंत विद्या विभूति ऐश्वर्य के साथ इस पिंड ब्रह्मांड की, इस अस्तित्व की अमूर्त शक्तियों के साथ संवाद संपर्क और उनकी सहायता से हम अनुग्रहित आशीषित होते हैं, अभिषिक्त होते हैं और योग से अतिंद्रिय शक्तियों को प्राप्त कर रहे हैं। We are achieving invisible powers, invisible divinity. पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, थोड़ा लंबा करना सीखो, प्रारंभ में पैर कांपने लगते हैं, थोड़ा पेट के मसल्स थोड़े दुखने लगते हैं, खींचने लगते हैं, खींचने दो, साधो भाई, शरीर को साधो, इंद्रियों को साधो, मन को साधो, तन मन जीवन को, प्राणों को जब पूरा साथ लेते हैं तभी तो साधना के साधन पूरे होंगे, अपना साध्य आराध्य इष्ट अभिष्ट मिलेगा, अपना कर्तव्य मंतव्य गंतव्य हम पा सकेंगे। चरैवेति चरैवेति, उत्तान पादासन, नौकासन, अपने अपने अभ्यास जब लंबा करोगे करने से होगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस सोता ही फल चाखा। कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन कर्म कैसे करो, भगवान के स्मरण के साथ,
भगवत भक्ति के साथ, कृतज्ञता के साथ करो, विवेक पूर्वक करो। ज्ञान और भक्ति पूर्वक किया हुआ कर्म, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति तीन है, लेकिन ज्ञान और भक्ति पूर्वक किया हुआ कर्म माने सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, यही है हमारी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति, और यही है हमारी प्रगति का आधार। और इस प्रगति के बिना ही तो जीवन की दुर्गति हो रखी है। राम कृपा नाश ही सब रोगा, जो यही भांति बनही संयोगा। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल योग धारा, करत करत नर उतर ही पारा। और कैसे करना? भगवान को सन्मुख रख करके, सन्मुख हो ये जीव मुहि जब ही, जन्म कोटि अघ नाश ही तब ही। अपने अभ्यास थोड़े लंबे करो। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। राम जी की कृपा कब होगी? जब तुम अपना काम पूरा करोगे। राम भिखारियों को नहीं, भगवान भिखारियों को नहीं, अधिकारियों को देते। अपना अपना अभ्यास पूरा करो। देखो, कुछ केवल भजन कीर्तन सुनते रहते हैं, कुछ केवल भक्ति करते हैं, कुछ केवल तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्मायम आत्मा ब्रह्म नेति नेति ना। मेरे भाई, केवल विवेक से, केवल वैराग्य से, केवल भक्ति से, केवल नाम जब से बात नहीं बनेगी। इसलिए एक साथ साधो, अपने शरीर को साधो, अपने इंद्रियों को साधो, अपने मन को साधो, और फिर धीरे धीरे पूरा जीवन ही साधना में ढल जाएगा, पूरा जीवन ही समर जाएगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ अपने अपने अभ्यास पूरे करो। जो सर्वांगासन हलासन कर सकते हैं वो सर्वांगासन हलासन भी करो, शीर्षासन भी करो, चक्रासन भी करो, शेष पवन मुक्तासन करो। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। पवन मुक्तासन सेतु बंद, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, त्रिचक्रिकासन, मरकटासन, अपना अपना अभ्यास पूरा करो। करने में कोई कसर मसर नहीं छोड़ना। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, ये दो तत्व, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, ज्ञान की भी पराकाष्ठा, भक्ति की भी पराकाष्ठा, लेकिन पुरुषार्थ पराक्रम की, विक्रम की पराकाष्ठा के बिना कुछ नहीं बनेगा। साधो रे, तेरा राम
राम जी करेंगे मेरा पार का सिमरन काहे को डरे तेरा राम जी करेंगे मेरा पार का सिमरन काहे को करे नैया तेरी राम हवाले लहर लहर हरि आप संभाले नैया तेरी राम हवाले लहर लहर हरि आप संभाले हरि आप ही उठाए दुनिया मन का ही को करे हरि आप ही उठाए तेरा पार उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को करे तुम अपना काम पूरा करो तो हरि प्रभु गुरु भगवान अपना काम खुद करेंगे नहीं किसान अपने अपने अभ्यास कीजिए मरकटासन जिनको कमर में दर्द है दोबारा कर लो मकरासन भुजंगासन सर्वासन उल्टे लेट जाओ पूज्य स्वामी आर्य देव जी के साथ दोबारा कर लो काबू में मझधार उसी के हाथों में पतवार उसी के काबू में मझधार उसी के हाथों में पतवार उसी के डोरी सौंप के तू देख एक बार उदासी मन काहे को करे डोरी सौंप के तू देख एक बार उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को करे नहाए मथुरा नहाए नाए खूब हरिद्वार रे काशी नहाए मथुरा नहाए नाए खूब हरिद्वार रे चार धाम तीर्थ फिर नाए मन का नहीं सुधार रे चार धाम तीर्थ फिर नाए मन का नहीं सुधार ओ साधो रे साधो रे साधो रे साधो रे साधो रे साधो जाए कियो तप भारी काया कष्ट अपार रे वन में जाए कियो तप भारी काया कष्ट अपार रे
मन में जाए कियो तुम्हारी काया कस अपार रे, मन में जाए कियो तुम्हारी काया कस अपार रे। इंद्रिय जीत करी बस में हृदय नहीं विचार रे, इंद्रिय जीत करी बस अपने हृदय नहीं विचार रे। बसे और नजर न आवे बाहर फिरत गवारा रे, पास बसे और नजर न आवे बाहर फिरत गवारा रे, पास बसे और नजर न आवे बाहर फिरत गवारा रे। पास बसे और नजर न आवे बाहर फिरत गवारा रे। बिना सतगुरु के भेद न जाने, बिना सतगुरु के भेद न जाने को वासुदेवाय। ओम नमो
नारायणाय ॐ नमः शिवाय ॐ हरिः ॐ तत्सत् ॐ भूम भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्। ये योग की दिव्य भाव चेतना है। तो देखो थेरेपिटिक रोग के अनुसार योग, योग अकॉर्डिंग टू डिजीज। योग के प्रोटोकॉल को तो ऐसे कंटिन्यूअसली फॉलो करना ही करना है। अब मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक करवाएंगे आप ऐसे, ये एक घंटे का तो सघन योगाभ्यास सबको करना है। अच्छा बताओ, हमारे सब पूर्वज रोगी थे कि योगी थे? बोलो। भगवान राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव क्या थे? बोलो, योगी। आदि योगी कहते हैं भगवान शिव को। और योगियों की संतानों को योगी होना चाहिए कि रोगी? योगी होना। तो हमारा जीन्स योग वाला है कि रोग वाला? तो हमारे जीन्स में, हमारे एक बात की जाती है ना, डीएनए में, हमारे डीएनए में योग है कि रोग है? फिर क्यों परेशान हो रखे हो? स्वामी जी सबने बता दिया तुम मरोगे। मैं कहता हूं तुम मरोगे नहीं, तुम तरोगे। लेकिन योग तो करना पड़ेगा। अब हमारी समस्या क्या, एक गोली खाएंगे बीपी की, एक शुगर की, एक थायराइड की, और ये खाते खाते फिर हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, फिर खाएंगे स्टीराइड, फिर खाएंगे बायोलॉजिकल इंजेक्शन ठुकवाएंगे और फिर मरेंगे ना। ये ठीक नहीं। मनुष्य अपने प्रमाद को पुष्ट करने के लिए, चलो दूसरा चरण तो अभी करवाएंगे। और जिनको डायबिटीज है, जिनका लिवर खराब है, जिनकी किडनी खराब है, जिनका पेनक्रियास का कबाड़ा हो रखा, वो मंडूकासन ही कर लो। पूज्य स्वामी आर्य देव जी के साथ साथ मंडूकासन, ऐसे एक आसन को 10 मिनट तक, थोड़ा 10 सेकंड करते हो तुम ऐसे 10 सेकंड रुके और छू करके वापस आ गए। ये कोई योग छुआछुई नहीं है, छुआछूत नहीं है, ये कोई मात्र टचिंग पॉइंट नहीं है। टच किया और बस बात हो गई, गहरा उतरना पड़ेगा। और फिर जब गहरा गोता लगाओगे तो योग के मोती, योग के रत्न, योग का ऐश्वर्य तुम्हें खुद ब खुद मिलेगा। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये लंबा कर लेना। शेष बैठे बैठे भस्त्रिका कपाल भाति, भाई जब प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी, चंद्रवीधि, सूर्यवीधि, नाड़ी शुद्धि आदि, उनको करना ही अभी मैं करवाऊंगा। ऐसे योग करते चलो। तीन चीजों ने मनुष्य को तबाह कर दिया। एक उसका खुद का ईगो, इग्नोरेंस, और उसका लेजीनेस, प्रमाद। प्रमादो मृत्यु, जीते जी वो मर जाते हैं जो प्रमाद में फंस जाते हैं, और वो जीते जी तर जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं, सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त हो जाते हैं, उनको स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय, जीवन का निर्माण और निर्वाण सब कुछ मिलेगा जो पुरुषार्थ करेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को हमारे यहां पुरुषार्थ कहा है। अर्थात त्रिवृत्त दुख, अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ,
आपको करना ही पड़ेगा, या तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, अभ्युदय निश्रेयस प्रवृत्ति निवृत्ति पुरुषार्थ परमार्थ। ये तो हमारी संस्कृति की मूल अवधारणा है। अर्धवत सिंद्रासन वक्रासन, ऐसे थोड़ा लंबा कर लो। ऐसे अपने तन मन जीवन को साधो जो अभी भजन गा रहे हो। बाहर के तीर्थ, बाहर के सब देवी देवता, भीतर के सब देवी देवता, सब आपकी मदद करेंगे। पहले खुद की मदद के लिए खुद आपको पहल करनी पड़ेगी। प्रमादि को कुछ मिलने वाला है नहीं, पुरुषार्थ ही करना पड़ेगा। उद्यमीनि ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न तु मनोर्थै, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पुरुषार्थ इस दुनिया में सब काम न पूरी करता है, मन चाहा फल उसने पाया, जुझाल में प्रमाद के फंसा न रहा। दुखदाई हैं सब शत्रु हैं ये विषय हैं जितने दुनिया के, आदमी इन्हीं में पड़ा है। इसको चाहिए भोग विलास, सारी दुनिया का सुख, सारी दुनिया की समृद्धि सफलता भी जाए, लेकिन करना कुछ ना पड़े। ऐसा जो सोचते हैं वो मूर्ख हैं, अविवेकी हैं, ईगो इग्नोरेंस में जी रहे हैं और जीवन के सत्य परम सत्य से वंचित रह जाते हैं। तो एक तो सुबह सुबह संकल्प कर लो, जीवन में प्रमाद नहीं करेंगे। बाएं पैर नीचे दाएं ऊपर, थोड़ा ऐसे एडी पर ही बैठ जाते हैं जो मेरी तरह से दुबले पतले से हैं। इतना दुबला पतला भी नहीं हूं मैं, अंडर वेट नहीं हूं भाई, 67 है मेरा। रोज आधा किलो सुबह सुबह घटता है, दिन में खाते पीते उससे पूर्ति हो जाती है। 67 कभी 66.5 कभी 67.5, एक आधा किलो के बीच में हम बने रहते हैं। अपने आप को साधो, जो एड़ी पर बैठ सके बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे ही बैठ जाना बस और करो, लगे रहो। एक पुरुषार्थ का कोई कर्म का कोई विकल्प नहीं है। तो मेरे साथ बोलो, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, बोलो जोर से, तो बोलो पुरुषार्थ की अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, बोलो अखंड प्रचंड, बस अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, पुरुषार्थ खंडित नहीं होना चाहिए। हमारा साधन, हमारा भजन, हमारी साधना, हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारी पूजा, हमारा पाठ खंडित नहीं होना चाहिए। अखंड पूजा, अखंड पाठ, अखंड प्रचंड। प्रचंड बने कुछ भी अपना बचा के मत रखना। जो बचा के रखते हैं ना अपने तन मन को, अपने आप को, उनको क्या कहते हैं, ये बड़ी बचकनी हरकतें कर रहा है। तो तुम जो बचते रहते हो ना, ए कर ले जीजी अम्मा कर, सब करो, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। बोले स्वामी जी इतना तो ना होता हमसे, तो इतना नहीं होता तो ये तो होता, यही कर। जिनके हाथ अभी छोटे पड़ गए, छोटे नहीं खोटे और मोटे पड़ गए, उस तो बोले जी ऐसे पकड़ते हैं तो पकड़ में नहीं आते। हमारा तो एक फीट तक पकड़ लो, हमने तो अंगुलियां पकड़ने की बात की, हम तो पोचा पकड़ लेते, रिस्ट को पकड़ लेते। तुम्हारा ही तो हाथ है, बोले हाथ तो अपना ही है समझे, लेकिन साथ नहीं दे रहा।
तुम्हारे हाथों ने, कंधों ने, घुटनों ने, कमर ने, लीवर ने, किडनी ने, लंग ने, हार्ट ने, ब्रेन ने, तुम्हारे आंखों ने, तुम्हारे दिल दिमाग ने तुमको धोखा दे दिया। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। खुद पर भरोसा करो, खुदा पर, परमेश्वर पर, गुरु पर, भगवान पर भरोसा करो। एक दो मिनट ऐसे लंबा किया करो, प्रमाद छोड़ो। फिर दो पैसे हो जाते हैं तो आदमी का दिमाग ही खराब हो जाता है। अब लोग ऐसा कहते, भाई हमने तो पैसे को उल्लू पर आते देखा नहीं। लोग कहते हैं कि पैसा आता है उल्लू की सवारी पर, आते अपने तन मन जीवन को लुटाऊंगा। अरे तेरा जीवन कितना अनमोल है, तू जहर खा रहा है, केमिकल खा रहा है। सबको पता है जो आप दवा ले रहे हो वो क्या है, वो जो एलोपैथी की दवा ले रहे हो क्या है, सिंथेटिक मेडिसिन। क्या बोलते हैं उसको, बोलो जोर से बोलो, सिंथेटिक मेडिकेशन, केमिकल, सॉस, हार्मोन्स, जितने भी तुम एंटीबायोटिक्स खा रहे हो, पेन किलर्स खा रहे हो, स्टीरॉइड ले रहे हो, बायोलॉजिकल ले रहे हो, दीज आर द नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, दीज आर वेरी हार्मफुल, अनलिमिटेड साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट। थोड़े समझदार हो, पढ़े लिखे हो, चलो लंबे सांस भरो। तो कोई भी तीन चीजें छोड़ने के लिए बोल रहा हूं, प्रमाद को छोड़ो, दूसरा ये कृत्रिमता छोड़ो, कृत्रिमता, कृत्रिम, सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक चीजें, ये जीवन के लिए घातक है, प्राण घातक है जिनको। लेकिन आदमी को पैसे का ईगो है ना, पैसा मेरे पास, हजार रुपए से लेकर के लाख, और कई बार तो थोड़े जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, तो 10-10, 15-15 crore की दवाइयां मिलती हैं। ऐसी एंटी एजिंग थेरेपी दे दो, हम जवान रहे तो लोग 10-10, 20-20 crore रुपए खर्च करते हैं बावले कहीं के। अरे प्राणायाम कर ले, ये एंटी एजिंग है, योग इज एंटी एजिंग, शीर्षासन एंड सर्वांगासन इज एंटी एजिंग, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी एंटी एजिंग है, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली एंटी एजिंग है, इम्यूनोग्रीट पाउडर, इम्यूनोग्रीट वटी एंटी एजिंग है। हमने ब्रेन सेल्स पर, स्किन सेल्स पर, हड्डियों के सेल्स पर, अलग अलग लीवर, किडनी, हार्ट के सेल्स पर प्रयोग किया है, और इतनी सस्ती है। देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, पैसे की बात है ना, यदि कल लोग बोल रहे थे तो मैंने 5-7 न्यूज चैनलों को, फिर ज्यादा समय नहीं हो तो फिर उसी में सुबह से शाम तक उसी पे बैठे रहो, एबीपी, जी न्यूज, आज तक, इंडिया टीवी, मूल मूल न्यूज, 18, TV9 आदि पर मैंने 15-15 minutes कल बोला, और एक बात और भी बोली, बोले 615 crore रुपए लगी चंद्रयान मिशन में। मैंने कहा 615 crore रुपए तो उसका कल पुर्जे लोहा लक्कड़ खरीदने में लगे हैं, भारत की जो मेधा है, प्रतिभा है, उसकी कीमत लाखों करोड़ रुपए है, लाखों, अरबों, खरबों, अनंत, आप उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। यही काम यदि एलन मस्क करता तो उसके कम से कम 5 lakh crore उसका मार्केट कैप बढ़ जाता, कि मैं अब चांद पर विजय मैंने पाली और वहां दुनिया बसाऊंगा और वहां फलाना करूंगा और वहां तुमको ले जाऊंगा, तुम्हारे कच्चे बच्चों को ले जाऊंगा। जैसे पिछले हम उस जगह पर जाएंगे जहां कौन सा एक जहाज डूब गया था, टाइटन, और वहां जाकर खुद ही डूब गए, 100-100 crore, 200-200, 500-500 crore रुपए दिए और वहीं जाके डूब के मर गए, बावड़ो। और इसरो के वैज्ञानिक हैं तुम्हें तारने वाले, अ
अब इनको क्या है, बोला हमको उड़ने वाली उसमें गाड़ी में बैठना है, हमें चांद पर जाना है। धरती पर तो तेरे पैर टिकते नहीं, चांद पर जाएगा। जीवन में मंगल है नहीं, मंगल को खोजो, लेकिन पहले जीवन में मंगल लेकर के आओ। ये है भारत की संस्कृति। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गड़ ध्वजा। मंगलम पुंडरी पुंडरी काक्ष मंगलायतनो हरि। भस्त्रिका ये करता हूं मैं 1000 बार। कितनी बार? अरे ये बावली कितनी बार करेंगे? ऐसे अरे थोड़ा भर ले, इसमें कौन सी कंजूसी है भाई। मत कर तू अभिमान रे बंद, झूठी तेरी शान। आदमी अहंकार में डूबा बैठा, मेरे पास पैसे हैं। तो पैसा है तो तू क्या खुदा हो गया भगवान? मेरे भाई ये पैसों के चक्कर में जिंदगी को तबाह मत करना। पैसा है तो जहर खा करके मरेगा ना, पैसा है तो उस पैसे को सत्कर्म में लगाओ, पुण्य में लगाओ, उससे अपना और जगत का सुख बढ़ाओ। पैसा तो भारत के भी बड़े बड़े लोगों के पास में है, दुनिया के भी बड़े बड़े लोगों के पास में, जुकरबर्ग के पास भी है, एलन मस्क के भी पास है, बॉन बफेट के भी पास है, बिल गेट्स के भी पास है। लेकिन थोड़े से पैसे से दुनिया का कल्याण कैसे किया जाता है, ये पतंजलि ने, स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने करके। हमारे पास थोड़ा सा पैसा है और ये जितना है उतना भी लोगों को हजम नहीं हो रहा। लोग कहते हैं अरे बाबा जी का साम्राज्य देखो कितना बड़ा है, आकर के सुबह 4 बजे उठ करके पसीना बहा के देख, तुझे दिखेगा बाबा का साम्राज्य। वाह ऐसे बोलते, वाह मुंह फाड़ के बोले वाह। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए सेंट ए योगी द वेल्थ। अरे ये वेल्थ हेल्थ के लिए है, ये सारा पैसा पुण्य के लिए है, ये सारा अर्थ परमार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए बावले। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी को हमने जिया है थोड़े से पैसे से। नासा ने जितने, सॉरी इसरो ने जितने पैसे में चंद्रयान बनाया, उतने पैसे से हमने 3000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल कर पूरे करके 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर वर्ल्ड रिनाउंड टॉप इंपैक्ट के रिसर्च जर्नल्स में छापने का काम पतंजलि ने किया है। नए हस्ताक्षर, नए इतिहास, नए प्रतिमान घड़े। हमने 500-600 करोड़ रुपए खर्च करके चांद की दूरी तो नहीं मापी, लेकिन हमने 500-600 करोड़ रुपए खर्च करके, हमने 615 करोड़ रुपए खर्च करके डायबिटीज वाले नॉन डायबिटिक कैसे हो सकते हैं दवा खोज दी है। ये पतंजलि रिसर्च सेंटर है जो आप देख रहे हो ना टीवी स्क्रीन के ऊपर, इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने जानबूझ करके उनके हाथों से करवाया था। लोग हमको कोसते रहते थे, बोले बाबा जी योग तो सिखा देगा, आयुर्वेद की जड़ी बूटियां भी घोट पीट करके कुछ दे देगा, लेकिन विज्ञान कहां से लाएगा। अरे मैंने कहा विज्ञान तो हमारे डीएनए में, हमारी रगों में, विज्ञान प्रज्ञान के हम उपासक, हम ढोंग आडम और पाखंड अंधविश्वास को नहीं मानते। चलो करो कपाल भाति, करो अनुलोम विलोम करो। हमने क्या किया देखो, जो पूरी दुनिया नहीं कर सकी, ये कई बार मैंने कहा और अब तो मैं इसको 7 दिन तक, क्योंकि अब देश सुनने की स्थिति में है कि कम पैसे में भी बड़े काम हो सकते हैं।
नहीं तो दिमाग में फितूर घुसा हुआ है ना। अरे जो WHO नहीं कर सका, जो पूरा मेडिकल सिस्टम नहीं कर सका, जिनका लाखों करोड़ का बजट है, वो एक ये अधनंगा फकीर कैसे कर सकता है? लेकिन इन अधनंगे फकीरों ने ही दुनिया को जीने की राह बनाई। जो WHO नहीं कर सका, जो पूरा मेडिकल सिस्टम नहीं कर सका, वो हमने क्या किया? हमने डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक किया। चलो करो कपाल भाति, करो मधुनाश्री मधुग्रीट बनाई, बस्ती और अलग अलग थेरापी योग करवा करके डायबिटीज के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक कर दिया। और लाखों लोग, करोड़ों लोग अब इसके गवाह हैं। इसको बोलते हैं रियल वर्ल्ड एविडेंस। क्या बोलते हैं? रियल वर्ल्ड एविडेंस, प्रत्यक्ष प्रमाण। अब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको क्या बोलते हैं? रियल वर्ल्ड एविडेंस। वी हैव क्लिनिकल एविडेंस, वी हैव रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड, पूरे साक्ष्य आधारित सारे तथ्य, सत्य, सनातन सत्य। हमने पूरी दुनिया में कहते हैं फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर फाइब्रोसिस, लिवर में छोटी छोटी गांठें होती हैं, लिवर कैंसर, इसका कोई इलाज नहीं है, हमने उसको ठीक किया है। ये काम कोई गोरी चमड़ी वाला करता या किसी बहुत बड़े कुलवंश में कोई टाटा बिरला कोई और तमाम बड़े बड़े हिंदुस्तान में कुछ खानदान है, कुछ दुनिया में ये बड़े खानदान रईस, बिहाइंड पतंजलि देयर इज नो फैमिली लेगेसी, कोई पारिवारिक साम्राज्य नहीं है हमारे पीछे, देयर इज नो एनी कॉर्पोरेट हाउस बिहाइंड पतंजलि, पतंजलि के पीछे कोई पारिवारिक साम्राज्य नहीं है, कोई पूंजी का साम्राज्य नहीं है, उसके पीछे दुनिया की मायावी ताकतें नहीं है, लेकिन पतंजलि के पीछे 100 करोड़ से ज्यादा भारतवासियों का आशीर्वाद है, भगवान का अनुग्रह है, ऋषियों का ज्ञान है, हमारी विरासत है। और हमने क्या क्या किया आज इसी पर चर्चा करेंगे। और आप करते रहो कपाल भाति, करते रहो अनुलोम विलोम। थोड़ी देर में तो हमारे डॉक्टर अनुराग को भी मैंने बोला भाई उठ जाता है, हमारे साइंटिस्ट भी 4 बजे उठ जाते हैं। हमारे डॉक्टर अनुराग जी से लेकर के बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स हैं, वर्तमान भविष्य और बहुत सारे 500 के करीब साइंटिस्ट काम करते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है, योगी साइंटिस्ट है हमारे पास, सात्विक साइंटिस्ट है।